हेलो फ्रेंड्स, आप सभी की हमेशा ये कंप्लेंट होती है कि मैं अनिका के बारे में इतना सब कुछ बताती हूँ लेकिन अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती। तो आज मैं अपने बारे में आपके लिए पूरे दिन का एक रूटीन शेयर करने वाली हूँ, जिसमें अ डे विद मी, यू नो, आपको पता चलेगा कि मैं पूरा दिन में क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ और मतलब क्या है इस वीडियो का पर्पस। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ। तो चलिए पहले मैं शुरू कर देती हूँ आपको एक वेलकम के साथ कि वेलकम टू बेबीज जंक्शन। माय नेम इज़ यशोदा वर्मा एंड मेरी 23 मंथ्स की डॉटर है जिसका नाम है इवानका, जिसको आप अनिका के नाम से जानते हैं। तो एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे हस्बैंड का नाम है मिस्टर संयोग एंड हम दोनों ही वर्किंग हैं, दोनों ही कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं। और जो इंडियन मॉम्स होती हैं उनका जो वर्किंग लाइफ होता है, वर्किंग लाइफ विद बेबी, विद यू नो होम, तो हमें सब कुछ बहुत सारी चीज़ें खुद ही करनी पड़ती हैं। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही आज मेरा काम थोड़ा सा जल्दी हुआ है क्योंकि मुझे आज वीडियो शूट करना था और मैं शुरू से मॉर्निंग से वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे अनिका को रेडी करके उसके डैडी के साथ भेजना था, वो अपने डैडी के साथ डे केयर में जाती है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि अभी हो रहे हैं मॉर्निंग के लगभग 10:30 बजे, मैं हो गई हूँ रेडी क्योंकि मुझे आज का वीडियो शूट करना था। थोड़ी देर में मेरी ऑफिस की कैब आएगी तो मुझे निकलना होगा और मैं आपको अपने ऑफिस की कैब में जो मैं जिन फ्रेंड्स के साथ मैं जाती हूँ, अपने ऑफिस कलीग्स के साथ जाती हूँ, आपको उनसे भी मिलवाऊंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ तो फ्रेंड्स, आज है फ्राइडे तो मैं आज आपको अपने फ्राइडे का लुक दिखा देती हूँ बिकॉज आज हम फ्राइडे को थोड़ा सा कैजुअल जाने का, मतलब हमारा थोड़ा कैजुअल यू नो आउटफिट्स आप वेयर कर सकते हैं ऑफिस के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। मंडे टू थर्सडे आपको फॉर्मल्स में जाना होता है, देयर यू कैन नॉट वेयर दैट डेनिम्स एंड ऑल दैट। सो हम इसका फ़ायदा सिर्फ फ्राइडे को ही उठाते हैं। तो मैंने डाली है एक सिंपल पोलो टी शर्ट जो काफ़ी अच्छी है, FBB का कलेक्शन है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको इसका कंप्लीट लुक दिखा देती हूँ। लाइक दिस इज़ माई पोलो टी शर्ट, दिस इज़ पिंक पीच कलर, वेरी नाइस कलर एज पर द समर्स एंड अ ब्लू डेनिम। सो डेनिम्स आर वेरी यू नो वेरी 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 कम्फर्टेबल इन दीज समर्स इफ़ यू हैव सम स्ट्रेचबल क्लोथ डेनिम। और मैं बहुत ही लाइट मेकअप करती हूँ, मैं कुछ भी नहीं करती, बहुत लाइट लिपस्टिक लगाती हूँ, आज मैंने थोड़ी सी डार्क लगाई है और सिर्फ काजल वेयर करती हूँ, मॉइस्चराइजर वेयर करती हूँ। आई डू नॉट वेयर एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑन माई यू नो समर रूटीन। सो बस ये मेरा सिंपल सा लुक है। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ 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 डू कमेंट एंड टेल मी दैट वॉट यू वेयर इन योर ऑफिस सो दैट मैं भी उन आइडियाज़ को गेट करके कुछ नया करता हूँ। हाँ फ्रेंड्स, तो मैं आपको अभी तक का अपडेट दे देती हूँ कि हमने क्या क्या कर लिया। हम मॉर्निंग में उठे थे 7:00 बजे, मैं अनिका के डैडी थोड़ा सा जल्दी जाग जाते हैं क्योंकि अनिका के लिए दूध लेने आना होता है। उसके बाद हमने अनिका को रेडी किया, उसके बाद मैं रेडी हुई, उसके बाद अनिका ने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया, उसके डैडी ने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया थोड़ा सा, और अब मैं अपने ऑफिस के लिए बस जाने वाली हूँ जो कि अभी 10:30 बज रहे हैं। तो मैं अपने ऑफिस की कैब का वेट कर रही हूँ और ड्राइवर से मेरी बात हुई तो वो थोड़े टाइम में पहुँच जाएंगे तो मैं अपने ऑफिस के लिए फिर निकल जाऊंगी। तो सॉरी, मैं अपने ऑफिस का नाम आपके साथ डिस्क्लोज नहीं कर सकती बट मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी शिफ्ट काफ़ी होती है, मेरी शिफ्ट एक्चुअली नाइट शिफ्ट होती है, वन काइंड ऑफ नाइट शिफ्ट, इट्स नॉट कंप्लीट नाइट शिफ्ट, इट्स 12 to 9 शिफ्ट। तो उसी टाइम में मुझे ऑफिस का काम भी करना होता है, उसी टाइम में अगर मुझे कोई पर्सनल काम भी आ जाता है तो फिर मुझे उसी तरीके से मैनेज करना पड़ता है। तो उसी के साथ आप समझ जाइए कि कितना बिजी शेड्यूल रहता है। हाय फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि अब मैं अपनी ऑफिस की कैब में आ गई हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं अपनी ऑफिस की कैब का वेट कर रही हूँ, तो मैंने आपको बोला था कि मैं अपने सारे कलीग से, मतलब अपने फ्रेंड्स से जो मेरे कैबमेट्स हैं उन सबसे आपको मिलवाऊंगी। एक्चुअली कई कैबमेट्स आज नहीं है, वो दूसरी कैब में, क्योंकि हमारी रेगुलर कैब स्विच होती रहती है, ये हमारे ऑफिस का अलग ही फंडा चल रहा है। लेकिन जो भी है मैं आपसे मिलवाती हूँ, सबसे पहले मिलवाती हूँ मैं कैब के ड्राइवर वाले भैया से। तो भैया आपका इंट्रो दे दीजिए। भैया का नाम है बलवंत सिंह, मेरा नाम बलवंत सिंह है और आज हमारे कैब के ड्राइवर हैं बलवंत सिंह भैया। ये है रक्षित, ये मेरे ही कलीग हैं। हेलो। हाय। हाय। एंड ये है नेहा। हेलो। हाय। एंड ये है प्रतिभा। तो आज हम कैब में सिर्फ 3 लोग हैं और ड्राइवर भैया है, तो आज हम अपने ऑफिस जा रहे हैं। तो ऑफिस का रूट भी हमारा काफी आज रशी है, फुल ऑफ ट्रैफिक है, दिल्ली का ट्रैफिक। कैब में बैठ के बस इंतज़ार करना है ट्रैफिक में। तो जनरली हम 30 to 35 मिनट्स में
ऑफिस पहुंच जाते हैं अगर ज़्यादा हैवी ट्रैफिक ना हो तो. एंड इट डिपेंड्स के आगे से अगर ट्रैफिक क्लियर मिलता है तो हम शायद अभी भी इतने ही टाइम में पहुंच जाएंगे. कद्दू की सब्ज़ी और दही. एक्चुअली मैं अपना लंच लाइट ही रखती हूँ तो सिर्फ दो ही चपाती कर दिया मैंने खाने में. और मेरे पास सैलेड भी है लेकिन मैं उसको बाद में खाऊंगी और कुछ फ्रूट्स भी है तो मैं उसको बाद में लूंगी. तो लेट्स हैव माय लंच. तो अभी मैं पार्किंग में जा रही हूँ अपनी कैब लेने के लिए. अपडेट्स हाय गाइस, मैंने अभी आपको लिफ्ट में बताया था कि बहुत ही एग्जॉस्टेड डे था और इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड था कि मैं बीच में बिलोंग ही करना भूल गई. एक्चुअली मेरी कुछ टास्क था जिसकी डेडलाइन थी बट वो फिर भी अकॉम्प्लिश नहीं हो पाया. तो अभी फिर मैंने पार्किंग से कैब ली और अब हम जा रहे हैं डायरेक्ट अपने घर की तरफ. हर पर्सन का अलग अलग ड्रॉप लोकेशन होता है, ठीक है. तो मैंने आपको पहले बताया था कि मैं कुछ डिस्क्लोज नहीं कर सकती बट मैं बताती हूँ कि ये एक सिचुएशन होती है जहाँ अलग 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 ड्रॉप लोकेशन पर छोड़ा जाता है जो कि हमारे कंपनी ट्रांसपोर्ट से ही होता है. तो मैं आपको मिलवा देती हूँ. मैंने बोला कि मॉर्निंग में कुछ लोग मिस हैं तो मैं आप उन लोगों से आपको मिलवा देती हूँ. तो कम ऑन लेट्स गेट स्टार्टेड. सो शी इज सुमन. हाय. एंड शी इज भावना. एंड यू ऑलरेडी नो रक्षित. हेलो. एंड ही इज आवर न्यू ड्राइवर भैया. हेलो. नाम के साथ. माय नेम इज सोनू. सोनू भैया. तो आज हमारे ड्रॉप ड्राइवर हैं सोनू भैया जिनके साथ मैं पहले भी जा चुकी हूँ कैब में. तो बस वही वाला रूट और वही वाली वापसी, बस अच्छा वाला घर. सो मेरे को बहुत इंतज़ार है मेरे डिनर का और मेरी नींद का जो कि शायद अनिका के सोने के बाद ही मिलेगी. सो टू बी कंटिन्यू. हाय, मैं घर पे आ गए फाइनली और मुझे अनिका का रिएक्शन रिकॉर्ड करना है कि मेरे घर पे आने के बाद अनिका कैसे रिएक्ट करती है. तो आप प्लीज़ जरूर देखें. मम्मा और रूम का क्या हाल बना रखा है अनिका ने? हैव यू डन योर डिनर? कम गिव मी अ हग, गिव मी अ हग, गिव मी अ हग, गिव मी अ हग, गिव मी अ हग. हाय. गिव मी अ हग. गिव मी अ हग, गिव मी अ हग, गिव मी. यस बेबी. सॉरी बेटा. हाय गाइस, ये है हमारी छोटी सी अनिका और अनिका के डैडी ने अनिका को डिनर करा दिया है, ठीक है.
और अब अनिका मम्मा के साथ बुक पढ़ेगी, फिर दूध पिएगी, फिर निन्नी करेगी। ओके ओके। अनिका ने खाना खाया? अनिका ने मम्मी ने कैसे खाई? तो आज का व्लॉग अनिका के बिना इनकम्प्लीट था, तो अनिका को तो शूट करना बहुत जरूरी था। अभी हम सरप्राइज, शी इज मेकिंग सरप्राइज। डैडी ने सिखाया ना? यस, कल सिखा रहे थे इसके पापा इसको सरप्राइज। तो अभी मम्मा क्या करेंगी? मम्मा कपड़े चेंज करेंगी, मम्मा अनिका के साथ डिनर करेंगी, अनिका मम्मा को डिनर करते हुए देखेगी, फिर हम बुक पढ़ेंगे, फिर हम अनिका की बॉटल क्लीन करेंगे और अनिका को दूध देंगे डैडी, ठीक है? और फिर अनिका और मम्मा नैनी करेंगे। उसके कपड़े चेंज करना, उसके स्किन केयर का जो भी उसका मॉइस्चराइज वगैरह करा के रखना। तो उसके बाद मैंने अनिका को चैन से सुला दिया है, मैंने भी अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं और मैं भी पूरी तरह से सोने की तैयारी में हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। देखती हूँ अनिका सोती है या नहीं, आजकल वो रात में कई बार जगती है, तो मुझे भी थोड़ी देर सो जाना चाहिए, ठीक है? सो इसी के साथ गुड नाइट, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो और मेरा रूटीन पसंद आया है, या आपका भी कुछ मेरी तरह सिमिलर रूटीन है, तो प्लीज़ ज़रूर मेरे साथ शेयर करें कमेंट बॉक्स में। एंड ऑफ कोर्स इस वीडियो को अगर आप लाइक करते हो तो लाइक बटन पे प्रेस करो, अगर डिसलाइक करते हो तो डिसलाइक पे प्रेस करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ और भी कोई जाने तो उनके साथ शेयर कर सकते हो। सो स्टे ट्यून्ड एंड